और अब दीगर खबरों में आपको बताएं, कायद नून लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला, एबीएन न्यूज ने अंदर की कहानी का खोज लगा लिया। लीग की क्यादत की मुशावरत आखिरी मराहल में दाखिल हो गई है। लीगल टीम को लंदन तलब कर लिया गया है। नवाज शरीफ को वतन पहुंचने पर जेल जाए बगैर ही जमानत मिलने के इम्कान हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर जेल न जाना पड़े, इस पर कानूनी मुशावरत का फैसला किया गया है। कानूनी मुशावरत के लिए साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारर और दूसरे सीनियर मेंबर्स को भी लंदन तलब कर लिया गया। मजीद इस पर बात करते हैं चौधरी तबरेज औरा से। जी तबरेज, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं और एबीएन न्यूज ने जो अंदरूनी खानी है उसका खोज लगाया है, जिसके मुताबिक ये मालूम हुआ है कि लीगी क्यादत ने लीगल टीम को लंदन तलब कर लिया है, जिसके साथ मियां नवाज शरीफ के जो कानूनी पहलू है उनको डिस्कस किया जाएगा और फैसला किया जाएगा कि मियां नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर कौन सा रूट लेना है। जो एबीएन न्यूज को बात मिली है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि ऐसा लायमल तरतीब दिया जाएगा ताकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी पर जेल ना जाना पड़े। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत भी मियां नवाज शरीफ को बेल दे सकती है, क्योंकि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन आए थे उस वक्त भी एक टाइम पर पंजाब की हुकूमत ने बेल दी थी। और मैं आपको यहाँ पर ये भी अपडेट करता चलूँ कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपनी लीगल टीम और दीगर अरकान के साथ मुशावरत की है। ब्यूरो चीफ लंदन चौधरी तबरेज़ औरा इस हवाले से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।